हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़द दाल के पकोड़ों की सब्ज़ी, जो काफ़ी टेस्टी बनती है और काफ़ी आसानी से बन जाती है। कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में, और जो इसके पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो क्या तरीका हमने यूज़ किया है, तो चलो फिर बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उड़द दाल के पकौड़ों की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम उड़द दाल को अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। तो यहाँ मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था, और अब आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुकी है। उससे होगा ये कि ये अच्छे से फूल जाएगी, जिसकी वजह से पकौड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जार ले लिया है, और अब इसमें हम सारी दाल निकाल लेंगे। और जो आपको दाल पीसनी है वो बिना पानी के पीसनी है, बहुत ही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डालना है, क्योंकि जो हमें इसका पेस्ट बनाना है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, आपको पता ही है पतले पेस्ट से। तो चलिए इसे पीस के लेके आते हैं। ये देखिए, मैंने अभी इसे एक ही बार चलाया है। अब थोड़ा सा पानी हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है इसे पीसने के लिए, तो बहुत ही थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। आप कह सकते हैं सिर्फ मैंने 1-2 बड़े चम्मच ही पानी डाला है। और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से पीस किए। आपको दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसको स्मूथ नहीं कर देना, दरदरा ही पीसना है। तो चलिए इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब दाल के लिए हमने मिक्सचर बनाना है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज आपको डाल देना है, और ये एक छोटा सा प्याज ही मैंने डाला है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, यानी कि 1/4 चम्मच के करीब, और 1.5 छोटे चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया है। मैं इन पकौड़ों को बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी इसमें मिर्च वगैरह ऐड नहीं करी है, हरी मिर्च वगैरह। तो अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है, और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है पहले, उसके बाद इसे हमें 1-2 मिनट के लिए चम्मच से अच्छे से फेंट लेना है। इसमें अच्छे से हवा भर जाएगी, जिसकी वजह से पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, और पकौड़ों के सॉफ्ट होने की वजह से ही वो ग्रेवी को भी अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएंगे। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने उसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसको घुमा लिया था और इसमें डाल दिया। 1-2 मिनट इसे अच्छे से फेंट लेने के बाद अब ये एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसके पकोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी पहले से ही गर्म होने रख दिया था। अब घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो साथ के साथ इसमें हम हाथों की मदद से पकोड़े बना के डाल देते हैं। एक बारी में जितने आ जाएंगे उतने डाल देंगे, और इसको हम गोल्डन होने तक अच्छे से पकाएंगे। और फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। और ये देखिए, ये तैयार हो चुके हैं। अब आप इसका कलर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हम बाकी के भी पका लेते हैं। ये देखिए, ये सारे पकोड़े बना के मैंने रख लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छे से कलर आया है। अब मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही नरम बने हैं और एक भी इसमें से फटा नहीं है। अब पकौड़े तो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं, अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में घी ले लिया है, और थोड़ा सा घी लिया मैंने यहाँ पर, तकरीबन 2 कड़छे के करीब मैंने ये घी लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, या फिर ग्रेट किया हुआ भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच के करीब हींग डाली है, इससे इसका टेस्ट सब्जी का बहुत अच्छा आएगा, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। प्याज को यहाँ पर आपको अच्छे से लाल करना है, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, 1-2 मिनट मैंने अच्छे से प्याज को फ्राई किया और ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेट की हुई अदरक डाली है थोड़ी सी, और अब हम यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना के डाल देंगे। तो ये प्यूरी मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी। अब इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटे चम्मच हल्दी डाली है, 1 छोटे चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर इससे अच्छा आएगा, 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। और अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने गरम मसाला नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हमें इसे पकाना है। जब तक अच्छे से घी नहीं छोड़ देता तब तक, तो इसे पकाने में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है। अब पहले तो हम उबाल आने देंगे, उबाल आने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो हमने पानी डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। और फ्लेम को आप मीडियम कर देना। मैंने अच्छे से इसे 4 से 5 मिनट पका लिया है पानी को। अब ये ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब जो हमने
उड़द दाल के पकोड़े बना के रखे थे वो हम डाल देंगे सारे। और अब आपको बस 2 से 3 मिनट के लिए और इसे पकने के लिए छोड़ देना है ताकि जो पकोड़े हैं वो अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर ले। सिर्फ उतना ही टाइम हम इसे देंगे और उसके बाद ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए उड़द दाल के पकोड़ों की सब्ज़ी एकदम बनके तैयार हो चुकी है। बस लास्ट में मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दिया। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको इसी तरह के एक नए वीडियो में।